अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने, सैयद एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीन अस्पतालों को बेहतरीन चिकित्सा संस्थान बनाने की कवायदें तेज हो गई हैं। इसे लेकर गुरुवार को कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने संभागायुक्त, कलेक्टर सहित एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन और सभी अधीक्षकों के साथ बैठक की। देखिए ये खास रिपोर्ट। चिकित्सा क्षेत्र में एमजीएम मेडिकल कॉलेज की अस्पताल मिसाल कायम करें, इसे लेकर सीएम शिवराज ने एमवाई अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने और कॉलेज के ही अन्य अस्पतालों को बेहतरीन चिकित्सा संस्थान की तरह तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से इसकी कवायदें जारी हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बैठक बुलाई, जिसमें संभागायुक्त डॉक्टर पवन जैन, कलेक्टर मनीष सिंह, एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित सहित अधीन अस्पतालों के अधीक्षक शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के मुताबिक बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है, साथ ही इसका मास्टर प्लान भी तैयार हो चुका है। इसे लेकर अगस्त माह में सीएम स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर पूरी टीम चर्चा करेगी। ये एक संकल्प है, एक सपना है, और सपना ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश में स्वस्थ मध्य प्रदेश हो, शिक्षित हो और स्वच्छता, तीन नारे जो दिए हैं, ये मध्य प्रदेश का महाराजा यशवंतराव अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है। और समाज का वो तबका, समाज का वर्ग जो गरीब तबका है, वो इलाज के लिए आता है। इसको हमने आदर्श अस्पताल बनाने का एक संकल्प लिया है। विस्तृत जानकारी वही उसी पर हमने चर्चा की, और अभी इनको पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है, कहाँ कहाँ क्या करना है। और हमारा प्रयास रहेगा कि अगस्त में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ, सारे आला अफसर के साथ पूरी टीम जाके बात करेगी, इसको कार्य में परिणत करने की अति शीघ्र कोशिश करेंगे। अपनी गाइडलाइन दे दी अभी, अब मुख्यमंत्री से समय लेना पड़ेगा। बड़ा कम से कम 250 करोड़ का प्लान, मास्टर कितने का, 250 करोड़, बड़ी योजना है। हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे आदर्श अस्पताल महाराजा यशवंतराव बने, उसमें गरीब भी आए और मध्यम वर्ग सब लोग आए। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित के मुताबिक एमवाई अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में क्या कुछ होगा, इसकी जानकारी साझा की। इसमें इसको मॉडर्न एमवाई हॉस्पिटल बनाने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए, जिसमें कि प्रारंभिक रूप से एक तो नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ाए जाएंगे, दूसरा एक एक्सीडेंट इमरजेंसी ट्रॉमा यूनिट बनाई जाएगी 400 बेडेड, और इसके साथ ही जो कैंसर हॉस्पिटल है उसका भी उपनयन अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिसमें कि पीटी स्कैन, लीनियर एक्सीलेटर, जितनी भी हाई एंड की कैंसर की मशीन है वो लगाई जाएंगी, वो भी 400 बेडेड बनेगा। इसके अलावा चाचा नेहरू में भी ओटीज का निर्माण होगा। इसके अलावा जो दूसरे अस्पताल से रिलेटेड हैं, जैसे 18 मॉड्यूलर ओटी बनाई जाएंगी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम आईसीयू में लगाया जाएगा, तो ऐसे करीब 30-40 पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इनके आइडेंटिफिकेशन के बाद सेकंड पॉइंट है कि इसको किया कैसे जाए, तो एक हफ्ते के अंदर हम लोग इसके लिए एक हॉस्पिटल कंसल्टेंट का टेंडर निकालेंगे। वो हॉस्पिटल कंसल्टेंट जो हमारी 100 एकड़ ज़मीन है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लगाई जा सकती हैं, जैसे इसमें एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का भी प्रपोज़ल है, देन एक प्रपोज़ल हॉस्पिटल स्टाफ के मकान बनाने का भी है। तो ये सब चीज़ें बैठ के विद इन ए मंथ ये कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल कंसल्टेंट का रोल रहेगा कि वो जगह आइडेंटिफाई करके उसका फाइनेंशियल वो करके एक कंक्रीट प्लान बन जाए, मतलब अब जो चीज़ें सब डिस्कशन लेवल पे थी प्लानिंग स्टेज पे, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हम लोग ला रहे हैं। नहीं देखिए, इसमें यह है कि कम से कम अभी 1-1.5 महीना तो हमको हॉस्पिटल कंसल्टेंट और वर्कआउट करने में रहेगा, उसके बाद प्लान यह है कि सभी माननीय तुलसी राम जी सिलावट के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री और
चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सामने प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा। एग्जैक्ट कॉस्ट के लिए मैं अभी नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स कि क्या क्या हम करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटीज़ हमारी बड़ी क्लियर हैं। एक तो एक्सीडेंट इमरजेंसी ट्रॉमा यूनिट मस्त है, कैंसर हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन, मॉड्यूलर ओटी, कुछ लिफ्ट और मरीजों के लिए धर्मशाला भी उसमें। बहरहाल देखा जाए तो इंदौर में एमवाई अस्पताल के मॉडल अस्पताल बनने और अन्य अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।